अगर कूड़े को घर से बाहर निकालना है तो कूड़ादान में तो उतरना ही था। एक घर की चौखट तक तो ले आए हैं हम उस छोटी गुडनिया को, अब बस धक्का मारने की देरी है। अरे यही तो इकट्ठा होता है सारा कूड़ा, कहाँ गए वो कागजात? अरे मिल क्यों नहीं रही उस छोटी गुडनिया की बाहर जाने की टिकट? वाह, फिर से डुबकी मारनी पड़ेगी। लॉटरी लग गई हमरी। अब हमरा बदला पूरा होने से वो गुडनिया के लाड कृष्णा भी नहीं रोक सकते। ऐसी कौन सी लीला है आपकी कान्हा कि अपने ही भक्त का दिल तोड़ने चले? ये रिपोर्ट्स आ चुके, मैं सच जानती हूं, लेकिन जब सासू माँ को ये सच मालूम पड़ेगा तो कैसे संभाल पाएंगी वो अपने आप को? उनकी सगी बेटी ना होते हुए भी क्यों हूबहू उनकी तरह ही दिखती है छोटी? ये सच बताने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। आप हिम्मत देंगे सासू माँ को? ये सच आपके सामने ही पता लगेगा सासू माँ को। हमारी फैमिली ना एकदम चुंबक के जैसी, जिसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। जी सासू माँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप चल के देख लीजिए। ठीक है, तुम्हारी तो करनी तो पड़ेगी, पर हम तो जानते हैं ना कि रिपोर्ट्स में बैठ। बट अनफॉर्चुनेटली हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए, वो स्टिल बॉर्न पैदा हुई है। गुड्डन चले, छोटी को यहीं सोने देना, बहुत मुश्किल से सोई है, फिर से उठ गई ना लक्ष्मी जी तो पूरा बवाल कर देगी। ठीक है हम आते हैं। छोटी बिल्कुल सेम फील कर रहे हैं, ना वो हमसे दूर होना चाहती है और ना हमसे। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आई हो गए आई हो। बताइए क्यों बुलाया है? इम्तिहान का परिणाम आ गया है दुर्गा बहू। शहर भर में ढिंढोरा पीटने से पहले हम इस उमड़ी में तुमको खबर इसीलिए दे रहे हैं
सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये घर में सब दिल से सोचते हैं, लेकिन तुम हमारी होनहार बहू तुम ना ही अपने अकल का इस्तेमाल करके दिमाग से फैसला लेती हो। छोटी गुटनिया अब गुटनिया की बेटी नहीं है, ये बात तो हम सब जानते ही थे, पर देखो ये परिणाम पढ़ के तुम्हारी भी आंखें भर आई। ये तो सोचो ये गुटनिया का क्या हाल होगा, और वो बच्ची के माँ बाप हैं उन पर क्या भी होगी, ये भी तो सोचो। बेचारे गरीब हैं, लड़ नहीं सकते हमसे भी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें हक है कि हम उनके सपने ही छीन लें। देखो सुनी को का ना दुख का होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं, इंसान को बहुत तकलीफ होती है, अरे सांस लेना तक दुश्वार हो जाता है, और हम नहीं सब तुमसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन इस घर में ना इस पूरे घर में सिर्फ एक तुम हो जो इंसाफ का मूल जानती हो। हाँ अब ये नकली परिणाम देगा हमारे मकसद को असली अंजाम। अब तेरा का होगा गुटनिया। चलिए लक्ष्मी जी आप जाइए और रिपोर्ट उठा के लाइए, चलिए आप पढ़िए, चलिए जाइए जाइए जाइए। मुश्किल तो है पर सही भी है। इस बच्ची के असली माँ बाप के बारे में सोचो, काम आसान हो जाएगा। ये आप ही खोलिए ना, हम कहाँ ये सब। अरे क्या आप लोग क्या पांच दे पार्सल गेम खेलने वाले हैं क्या आप? खोलिए ना लक्ष्मी जी, क्या कर रही हैं, खोलिए। नहीं सासू माँ, हमारा मतलब है कि ये मेडिकल रिपोर्ट है और हमें कहाँ ये सब करना आता है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो घट लाइए मुझे दीजिए।
कर रहे हैं आप दोनों? पढ़िए ना रिपोर्ट, खोलिए ना। बट अनफॉर्चुनेटली हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए, वो स्टिल बॉर्न पैदा हुई है। हमारा अपना बेबी जब और मैं कभी आपको खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की धड़कनों को महसूस कर पा रहे हैं। बिटिया रानी ने अपना नाम चुना है गुड डन। गुड डन। टेस्ट की रिपोर्ट कहती है कि गुड्डन और बच्ची के जो सैंपल्स थे वो 100% मैच है। पता है लक्ष्मी जी, ये सारा का सारा बखेड़ा है ना, वो बंटी बबली वाली वो जो फ्रॉड जोड़ी थी ना, उसकी वजह से हुआ। फालतू में, हमें तो पता ही था ना। अब देखिएगा, अब जब आएंगे ना, इसके मुंह पर रिपोर्ट्स फेंक करवा लेंगे उनके। आए भाई देखे। जी, आप सच बोल रहे हैं? मतलब 100%? अरे लक्ष्मी, ये देखिए 100% डीएनए मैच कर रहे हैं। अब तो हो गई ना आपको तसल्ली? गुड्डन हमारी बेटी। किस बात की हो रही है? ये तो होना ही था ना। तो फिर हमें कान्हा जी का थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। ये सासुमा, मैंने पूरी आरती की दाल रेडी कर दी है, तो हम थैंक यू बोलते हैं ना। तो आइए आइए, हम आरती करते हैं। आइए ना, आइए सासुमा, आइए आप। ये थाल तैयार है, ये लीजिए। खुशी किस चीज की इनको? छोटी गुड्डन, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। सर अपने कान्हा जी को थैंक यू। देर हो गई है, कहीं छोटी जाग ना गई हो? ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है हमें?
शुक्रिया आपका कान्हा जी, छोटी को इस घर में हमारे पास भेजने के लिए, अपनी लीला से उसे गुड्डन और मेरी बच्ची साबित करने के लिए। पर वो डॉक्टर, वो हमसे झूठ क्यों कहेगा कि छोटी हमारी बच्ची नहीं है? उससे तो कोई दुश्मनी भी नहीं है हमारी। शायद गुड्डन का शक सही है, इस षड्यंत्र के पीछे कोई हमारे बहुत करीब का ही है, पर कौन? मेरी बच्ची, मेरी झोली फिर से भर दो बहन जी, आप तो खुद एक माँ हैं, मेरा दर्द समझ सकती हैं। जिंदर साहब, हम छोटी गुड्डन को देखकर आते हैं, अब शायद वो तूफान की आवाज से डर जाएगी। जी दिया, कहीं कोई अपशगुन तो? अरे लक्ष्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इतने तूफान में, इतनी हवा में तो आप बंदा भी उठ जाए, और ये तो फिर दिया। पर सासू माँ, दिए का बुझना बहुत बड़ा अपशकुन होता है, दादी भी यही कहती है। ये हम जला देते हाँ, हम जला देते। के हिसाब से इस घर की बच्ची नहीं है तो छोटी इन लोगों की बच्ची है, फिर भी तुझे इन्हें सोते हुए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे अरे बाप रे कान्हा जी, उधर हमारी छोटी गुड्डन परेशान हो रही है और आप यहाँ बेकार की फुटेज खा रहे हैं। ज्यादा नखरे मत कीजिए हमारे सामने, बता रहे हैं हम नाराज हो जाएंगे। चलो ना, मदद कीजिए ना हमारी। गुड्डन की जिद के आगे है ना, उसके कान्हा जी को भी झुकना पड़ता है। अब इसे और मुझसे दूर मत कीजिए। दे दीजिए हमें हमारा बच्चा। गुड्डन, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं कहीं कुछ? हाँ हमने कहा था अनुनी, देखिए आप यही रहिए, आप हिलना मत यहाँ से, हम जाते हैं गंगा जल लेके आते हैं, हमारे घर में किसी का बुरा साया, एक काम करते हैं नींबू और मिर्ची लाते हैं दरवाजे पे टांग देते हैं। जी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ताना जी, एक छोटा सा मजाक तो किया था आपके गुड्डन ने, इतना सीरियस ले गया पर हम जान गए आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे ना हमारे साथ।
चिंदा साहब अब हम जाकर आते हैं, छोटे बहुत देर से होता। मम्मा आ रही है छोटी।